ग्रेट ब्रिटेन का सूरज क्यों डूब गया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलने वाला हूँ जो हमें स्कूल तक में भी नहीं पढ़ाए गए। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब ग्रेट ब्रिटेन का पूरे वर्ल्ड पर दबदबा हुआ करता था। आधी दुनिया तो उसकी गुलाम थी और बाकी आधी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो पैसे, पावर और सत्ता के मामले में ब्रिटेन के आगे टिक पाए। परंतु आज उस सत्ता का अंत हो गया है। इसके पीछे के क्या कारण हैं? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन बाय हितेश गिरी गोसाई। विस्तार, इकोनॉमी और सैन्य शक्ति के मामले में ये देश आज भारत से भी पीछे है। जिस ब्रिटिश राज परिवार ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उस राज परिवार के 380 मिलियन पाउंड को खर्च को वहां बोझ माना जाता है और विवादों के गुब्बारे भी उठने लगे हैं। ब्रिटेन के लोग आज आर्थिक मंदी से त्रस्त है। जो कभी 3,55,00,000 स्क्वायर किलोमीटर विस्तार वाला ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, महज आज 18,170 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में समेट कर रह गया है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो इन सब के पीछे कुछ खास कारण है। चलिए जानते हैं इन कारणों को। दोस्तों, बात यह है कि आज से 100 साल पहले की दुनिया के देशों की समृद्धि उनके नेचुरल रिसोर्सेज से तय होती थी। जैसे कि मसाले, रेशमी कपड़े ने भारत को समृद्धशील बनाया था, वैसे ही ब्रिटेन के कुछ रिसोर्सेज ने ब्रिटेन को धनवान बनाया था, जैसे कि अफ्रीकी कोको, गोल्ड और वेस्ट इंडीज की शुगर और भारत के मसाले चाय। इजिप्ट के कॉटन को ब्रिटिशर्स बेचकर खूब माल कमाते थे। तब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मालवाहक जहाज ब्रिटेन के पास ही थे, सबसे ज्यादा जमीनी विस्तार भी ब्रिटेन के पास ही था, मैन पावर भी उनके पास ही थी और विश्व सत्ता भी उन्हीं की ही थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने चक्रीय शासन किया और एक वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि द ग्रेट ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। औद्योगिक क्रांति होने लगी, इसलिए कौड़ियों के दाम बिकने वाले लोहे की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई। वाहनों को चलाने के लिए तेल चाहिए, इसलिए जिन खाड़ी के देशों को कोई पूछता नहीं था, उन देशों के अच्छे दिन शुरू हुए। खनिज तेल के दाम आसमान छू गए। जमाना इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी का भी आया और तार बनाने के लिए कॉपर, प्लास्टिक और रबर के भी दाम बढ़ने लगे। जिन पदार्थों की कोई कीमत नहीं थी, आज उनकी कीमत आसमान को छू रही थी और जमाना अब आधुनिक विज्ञान का हो चुका था। अब वे देश टिकने वाले थे जिनके पास नई टेक्नोलॉजी, खनिज तेल, गैजेट्स और क्रिएटिव लोग हो। इनके सामने कोको, शुगर, कॉटन कहाँ टिक पाते? ऊपर से गुलाम देशों पर निर्भर अंग्रेजों को बिना कोई काम किए ही बनी बनाई रोटी मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से उन्होंने वैज्ञानिकों तक की कोई कदर नहीं की और दूसरे देश के लोगों को भी ब्रिटिशर्स ने कमतर ही समझा। इसके विपरीत अमेरिका ने दुनिया के नए तकनीकी का वेलकम किया, विश्व भर के युवा और क्रिएटिव लोगों को काम और सम्मान दिया। बाद में अमेरिका का यही कदम आर्थिक समृद्धि में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे कि नंबर 1, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। 1818 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित आयात से भर गया। दूसरी ओर, भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। 1820 के पश्चात तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग बंद ही हो गए। भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां औद्योगिक क्रांति हुई, और ये ह्रास अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन इस अवधि में यूरोप के अन्य देशों के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग में भी गिरावट आई, पर इसका कारण वहां कारखानों का विकसित होना था। ये वो समय था जब एक और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से पतन की ओर अग्रेसर था, क्योंकि वो अपनी मृत्यु के कगार
आधार पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर इस काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से अपने पैर जमा रही थी तथा देश का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे थे। वहीं नए पश्चात अनुप्रयोगों तथा तकनीक ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया। अनौद्योगिकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांवों की ओर पलायन। अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभाव मूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांवों में जाकर खेती करने लगे। इससे भूमि पर दबाव बढ़ा। अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण ये क्षेत्र पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। नंबर 2, कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर थी, किंतु लगान जो जमींदार किसान से लेता था वो परिवर्तनशील था। अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इससे किसान भूमि पर अपनी पुश्तैनी अधिकारों से हाथ धो बैठते थे। सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था। जमींदार जिन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तथा लगान में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए किसानों को बेगार करने हेतु विवश करते थे। कृषि में अधिक धन लगाने हेतु सरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। कृषकों पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर वे सुदखोरों से ऋण लेने पर बाध्य हो जाते थे। सुदखोर जो अधिकांशतः गांव के अनाज व्यापारी होते थे काफी ऊंची दरों पर किसानों को ऋण देते थे तथा ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद को निम्न दरों पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। इन शक्तिशाली सुदखोरों के प्रशासन एवं न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे जिसका उपयोग वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकदमों के लिए करते थे। इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार जमींदार एवं सुदखोरों का तिहरा बोझ होता था। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्याएं और भी बढ़ जाती थी। अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। नंबर 3, कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी। कृषकों के पास न ही कृषि के साधन थे और न ही कृषि में निवेश करने के लिए धन। जमींदारों का गांव से कोई संबंध नहीं था तथा सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन अत्यल्प था। इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा तथा उसकी उत्पादकता बहुत कम हो गई। इसके बाद सन 1910 तक तो अमेरिका ब्रिटेन से काफी आगे बढ़ चुका था। ऊपर से सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 में खत्म होते होते तो ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। यूरोप के उद्योग अब धाराशायी हो गए थे और उनके दिन ऐसे आ गए थे कि उनको छोटी छोटी चीजें अमेरिका से मंगवानी पड़ती थी और इन सभी बातों का अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वहाँ नई नई फैक्ट्री और उद्योगों ने जन्म लिया। विश्व युद्ध के अंत तक अमेरिका पूरे विश्व की महासत्ता बन गया था और कभी महासत्ता रहा देश द ग्रेट ब्रिटेन अंधेरे की ओर बढ़ता चला गया। अगर बात करें आज के दिन ब्रिटेन की हैसियत की तो वो इतनी भी नहीं है कि ये किसी भी मामले में भारत के आगे भी टिक पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।